अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं केपीएन न्यूज़ एचडी और मैं हूं अलीजा अली। चेयरमैन सीपी अथॉरिटी आसम सलीम बाजवा ने कहा कि सीपैक फेज वन में 1200 नौकरियां आ चुकी हैं। चेयरमैन सीपी अथॉरिटी आसम सलीम बाजवा ने कहा कि मैं सीपैक के हर मंसूबे की निगरानी कर रहा हूं और ऑपरेशनल इश्यूज भी हमारी नज़र में हैं। उन्होंने कहा कि चीनी सरमायाकारों का सीपैक मंसूबों पर एतमाद कम नहीं हुआ और ना ही सीपैक पर काम रुका या सुस्त रवि का शिकार हुआ है। आसम सलीम बाजवा ने कहा कि सीपैक फेज वन में 1200 नौकरियां आ चुकी हैं। कोरोना सीपैक के लिए बड़ा इम्तहान था जिसमें कामयाबी से निकल गए। गवादर कोर्ट का कौमी और मकामी मौशियत पर बड़ा असर है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के मगरबी रूट्स के इलाकों में रोजगार के मसाइल हैं। सीपैक मंसूबों की सिक्योरिटी बेहतर है और कोई मंसूबा रुका नहीं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी ने कहा कि अक्सर मसाइल सरहद पार से हैं, जबकि ईरान अफगानिस्तान सरहद 60% सील कर दी गई है। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए केपीएन न्यूज़ एचडी।